आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो सिंसियरली राइट right? आप बहुत मेहनत कर रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट इन द प्रेपरेशन राइट कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक द एग्जाम तो जब भी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रोज़ रिलीजियसली एफर्ट करो देयर कैन बी सम डेज जहाँ पे हो सकता है कि आपका स्कूल का एग्जाम का प्रेशर है कोई टेस्ट है या कोई सबमिशन है कोई रिपोर्ट बनानी है प्रोजेक्ट बनाना है देयर कैन बी सम डेज राइट तो कुछ डेज का एक्सेप्शन इज फाइन उस दिन भी जिस दिन आप बहुत ऑक्यूपाइड है उस दिन भी कोशिश करिए कि 10 से 20 मिनट इफ नॉट मोर इतना तो जरूर निकालें इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपने कुछ मिस नहीं किया ये आपका मोमेंटम कंटिन्यूड रहता है राइट ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद टू सेशन माय नेम इज़ जूही नरूला तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम कुछ प्रैक्टिस पैसेजेस को सॉल्व करेंगे राइट बड़े इंटरेस्टिंग पैसेजेस हैं तो आई विल स्टेप असाइड ताकि आप एक बार अच्छे से पैसेज को रीड कर सको अगर आप खुद से रीड करना चाहते हो तो और जो साथ करना चाहते हैं दे कैन प्लीज़ जॉइन मी मन की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम कंप्लीटेड हंड्रेड एपिसोड्स ऑन संडे तो हम किसकी बात कर रहे हैं हम मन की बात कर रहे हैं तो ये मन की बात आपको पता होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर एक रेडियो शो चलाते हैं राइट तो व्हाट इज द नेम मन की बात तो यू कुड राइट मन की बात एंड दिस इज सी दैट इट इज कंप्लीटेड हंड्रेड एपिसोड्स ओके नाउ लेट्स रीड फर्दर ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट नाइन इयर्स द ब्रॉडकास्ट एक्सपेरिमेंट दैट हैड अ ग्लोबल हिस्ट्री बट नो सिग्निफिकेंट इंडियन प्रेसिडेंट मतलब इंडिया के कोई एग्जांपल्स नहीं थे हैज़ बिकम अ सक्सेसफुल एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया टू कम्युनिकेट राइट तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि ग्लोबली तो यूज हो रहा था पर इंडिया में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था मतलब इंडिया के मिनिस्टर्स या लीडर्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने इसको यूज़ किया और उनके लिए एक सक्सेसफुल एलिमेंट बन गया अ लीडर हु बिलीव इन टॉकिंग डायरेक्टली टू द मासेस तो दिस इज क्लियरली सेइंग कि क्योंकि वो इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ क्लियरली शो केसिंग

चैट्स और ये एक सीरीज थी और इसमें थर्टी रेडियो एड्रेसेस थे सब uh, की एवरेज ड्यूरेशन ईज टिपिकली ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स लॉन्ग डिलीवर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजोवर्ल्ड बिटवीन 1933 एंड 1944 तो इन्होंने बता दिया कि भैया जो तुम अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर लीडर्स कम्युनिकेट करते हैं टू द मास्टर्स यूजिंग रेडियो uh, प्लेटफॉर्म तो वो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं कि इट इज़ फायर साइड जो एक सीरीज थी 20 से 30 रेडियो एड्रेसेस की और हर की ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट थी और इसको किसने डिलीवर किया था यूनाइटेड स्टेट्स के तब जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजोवल्ट राइट तो आप चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं अब आप सोच के देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं राइट right? तो जब भी हम रीडिंग करेंगे हम एक्टिव रीडिंग करेंगे मैं बार बार ये बोलती हूँ कि किसको हंड्रेड एपिसोड कंप्लीट हुए तो मन की बात को राइट right? मन की बात के कितने एपिसोड सक्सेसफुल कंप्लीट हुए हंड्रेड एपिसोड्स हुए राइट right? तो ये कौन कर रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि क्या पहले प्रोसीडेंस है नहीं इंडिया का प्रोसीडेंस नहीं है राइट बट दिस इज अ सक्सेसफुल इवेंट और किन के लिए सक्सेसफुल हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के उनका सक्सेसफुल uh, एलिमेंट है इन द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ही इज द लीडर हु बिलीव्स एड्रेसिंग टॉकिंग डायरेक्टली टू द मासेस राइट सो जब आप रेडियो uh, के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप सीधा ही जनता को संबोधित कर रहे हो राइट देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हुआ है रेडियो ब्रॉडकास्ट हुए हैं बाई एनी नेशनल लीडर तो उसका एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि फायर साइड चैट विच इज़ अ सीरीज ऑफ थर्टी रेडियो एड्रेस और सबकी ड्यूरेशन लगभग लगभग बीस से तीस uh, मिनट थी एंड दिस वॉज डिलिवर्ड बाय द यूनाइट स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रेंकलिन डी रोजोवल्टन बिटवीन समवेयर अराउंड नाइनटीन थर्टी थ्री एंड फोर्टी फोर ठीक है चलिए आगे अब आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज कर सकते हो पीपल हु वुड वॉन्ट टू रीड ऑन देयर ओन एंड पीपल हु वुड वॉन्ट टू

Right, the chats were popular and played a role in shaping american public opinion on a range of issues at the time when the us battled with crisis battled matlab struggle kar tha, lad tha. so battled is fought or yeah, struggled with crisis or chaos uh, crisis matlab डिफिकल्ट टाइम्स राइट तो क्या क्या थे रेंजिंग फ्राम द ग्रेट डिप्रेशन टू वर्ल्ड वॉर टू तो उन्होंने कहा कि uh, जो चैट्स हुई जहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एड्रेस करते थे लोकल uh, लोगों को या जनरल मैन ऑफ द कंट्री पीपल ऑफ़ द कंट्री सो दैट रियली हेल्प इन द पीपल द अमेरिकन हैविंग एन ओपिनियन राइट ऑन सर्टन ईशूज एन लॉट ऑफ रीशूज राइट रेंज ऑफ इशूज मतलब लगभग हर तरह के मुद्दों पर उनका एक पब्लिक परस्पेक्टिव बना जहाँ पर यू एस एस टाइम बहुत संघर्ष

उन्होंने कहा कि अनपैक अनपैस पॉलिसीज अनपैक मतलब रिवील या शो करना या ओपन करना या जनता को अवगत कराना तो कैसे रोज़ो ने इसको एज अ वेरी इंटेलिजेंटली यू नो यूज रेडियो ब्रॉडकास्ट एज एन प्लेटफॉर्म एंड हाउ डिड यू यूज़ इट टू काउंटर क्रिटिसिज्म्स तो कैसे रोजो ने यूज़ किया काउंटर क्रिटिसिज्म मतलब अगर कोई उन पर आरोप लगाता था तो वो अपना परस्पेक्टिव बताते थे राइट right? क्रिटिसाइज करना मतलब उनकी कोई बुराई होती थी तो ही टू काउंटर द राइट देन रिवील और ओपन हिज पॉलिसीज राइट अपनी पॉलिसीज को विदाउट द यूज ऑफ इंटरमीजरीज ही वॉज एबल टू पास ऑन डेक लेटर रॉनल्ड रीगन यूज अ डेली रेडियो कॉमेंट्री दैट रैन फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी नाइन टू बिल्ड अ रेपुटेशन एज अ ग्रेट कम्युनिकेटर तो अब यहाँ पर ऑथर ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि रोजो के बाद रोनल्ड रीगन क्या कर रहे थे वो भी एक सिमिलर ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे पर वो तो डेली कर रहे थे एंड कौन से ड्यूरेशन में किया सेवेंटी फाइव टू नाइनटीन और जिससे उनको किसकी रेपुटेशन मिली ग्रेट कम्युनिकेटर किफकोर्स इफ़ द हेड ऑफ़ दंट्री इज टॉकिंग टू यू ऑन एवरी बेसिस सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन दैट द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अर्न अ गुड रेपुटेशन एंड टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल रन इन नाइनटीन एटी वॉट वॉज द टारगेट एम क्या था ऑब्जेक्टिव क्या था ऐसा करने का दैट हैज बीन मैंशन राइट चलिए अब आगे पढ़ते regan gave 1027 addresses reaching an estimated audience of 20 to 30 million listeners every week so the numbers have been presented which are really significant the radio commentaries helped regan transition transition matlab make a shift from a national public figure appreciated more for his acting ability than his political acumen acumen matlab wisdom तो वो ट्रांजिशनिंग जो हुई वो कैसे हुई उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट वाज द ट्रांजिशन दैट हैपेंड इन द रेपुटेशन ऑफ रोनल्ड रीगन राइट दिस वाज मैंशनड अकॉर्डिंग टू अ नोट ऑन द यू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वेबसाइट अर्ली इन एंड अर्लियर इन एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्ट सुभाष चंद्र बोस हैड स्टार्टड आज़ाद हिंद रेडियो तो बोस साहब ने आज़ाद हिंद रेडियो को बिगिन करा था एज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑन जनवरी सेवन नाइनटीन फोटी टू तो पहला ब्रॉडकास्ट कब हुआ था सात जनवरी उन्नीस सौ बयालीस को राइट यू कैन सी हाउ दर डिस्कशन इज प्रोग्रेसिंग मन की बात पे आया कि कैसे एक सक्सेसफुली यू नो कम्युनिकेशन का जरिया बनाया प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद आया कि अच्छा पहले किसने शुरू किया था रॉजर वर्ल्ट ने यूज किया था फिर रोनल रीगन का एग्जाम्पल दिया अब सुभाष चंद्र बोस पे आए राइट तो आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर uh, कंसड्रेशन uh, के अराउंड क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कौन से एग्जाम्पल के अराउंड ऑथर क्वेश्चन बना रहा है और हमको पता है कहाँ कहाँ रिविजिट करना है सो वी कैन रिविजिट राइट तो ध्यान वही तीन गोल्स का रखना है कि फोकस ना लूज हो तो उसके लिए हम एक्टिव रीडिंग करेंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जितना अग्रेसिवली एक्टिव रीडिंग करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा राइट और जितना आप यू नो ले तरीके से रीडिंग करोगे उतना फिर आप स्ट्रगल करोगे सो ऑलवेज कीप थ्री गोल्स इन माइंड ये तो मैं आपको शुरू से ही पढ़ा रही हूँ कि मेरा फोकस इंटैक्ट रहे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मुझे पता हो कहाँ पर रीविजिट करना और रिविजिट मैं जरूर करूंगी राइट right? उससे मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी क्लियर रहूंगी और कोई मेरे को ट्रैप आंसर चॉइस फंसा नहीं पाएगी और जो भी जनरल क्वेश्चन हैं, उनके लिए मुझे रिविजिट नहीं करना मतलब मुझे असेंस ऑफ डिस्कशन क्लियर हो राइट आई शुड नो वॉट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट सेंस ऑफ द डिस्कशन शुड बी क्लियर राइट तो ये पॉइंटर्स आप लिखते रहो रिमाइंड कराते रहो खुद को सो दैट यू आर इन सिंक विद द राइट एफर्ट राइट चलिए अब आगे पढ़ते हैं यू कुड पॉज द वीडियो इन केस यू वुड वॉन्ट टू एंड रीड दिस फर्दर चलिए सो लेट्स रीड दिस द प्रोग्राम्स फॉर मैन टू क्रिएट बॉन्ड्स बिटवीन इंडियंस लिविंग अब्रॉड विद इन द मदरलैंड तो जो सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेडियो स्टार्ट किया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था राइट right? तो so, वो यहां पर मैंशनड है कि uh, जो इंडियंस थे दे वर देवर लिविंग अब्रॉड उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना था विद दो मदरलैंड अंडर ब्रिटिश कोलोनियल रूल फाई लीडर्स लाइक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड डोनाल्ड ट्रंप यूज टेलीविजन एंड वीडियो ऑन सोशल मीडिया तो आप यहाँ पे फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आ गया ऑथर कि जो बराक ओबामा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं ये क्या यूज करते हैं ये टीवी को और वीडियोस को यूज कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया ठीक है मोदी चोज तो अब द डिस्कशन स्टार्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट वेन टू द बैक एंड एट एज अगेन कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट तो ये आपको देखना है कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है ना कॉथर कैसा इंटरेस्टिंगली उसको वापस लेके आ रहा है और यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि भैया जो यूएस के लीडर्स हैं उन्होंने तो जो मीडियम चुना है वो टेलीविजन और वीडियो सुना है पर मोदी जी क्या कर रहे हैं मोदी जी चोज रेडियो एज द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम इन द इंडियन कॉन्टेक्स टू रीच द लास्ट इंडियन एट द एंड ऑफ द कंट्री इज लास्ट माइल तो ऑफकोर्स रेडियो की रीच ज्यादा है एज कंपेयर टू टीवी और सोशल मीडिया ही रिकोगनाइज वॉट इज हिज रीजनिंग राइट मोदी ने क्यों रेडियो पिक किया तो उनकी रीजनिंग यहाँ पे प्रेजेंटेड है एज पर द ऑथर ही रिकोगनाइज द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट पेनीट्रेशन पेनेट्रेशन मतलब पहुंच नॉट विटैंडिंग नॉट एवरी वन ओन्ड मोबाइल डिवाइस एंड दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वुब्लम ऑफ कनेक्टिविटी तो कह रहे हैं कि हो सकता है सबके पास मोबाइल ना हो और कई जगह कनेक्टिविटी का इश्यू हो राइट right? सो so ये उनका कंसर्न था प्राइम मिनिस्टर एज स्पोकन अबाउट है पावर ऑफ रेडियो अर्ली ऑन इज लाइफ मेन यू ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री एस अ प्रचारक ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संग राइट right? तो ये कह रहा है कि भैया रेडियो तो हर जगह ही है राइट right? में भी इंटरनेट नहीं हो मोबाइल नहीं हो बट रेडियो इज देर। तो जब इन्होंने ये रेडियो की पावर को रियलाइज किया जब वो प्रचारक थे और उन्होंने कंट्री को ट्रैवल किया था राइट सो ही सेड ऑन एन एपिसोड तो इनका क्या व्हाट डिड ही से व्हाट व्हाट डिड मोदी से और मोदी का रीजन क्या है ऑफ यूजिंग द रेडियो दैट हैज बीन साइटेड हियर सो ही सेट ऑन एन एपिसोड ऑफ मन की बात दैट ही हैड नोटिस पीपल इन द रिमोट अपर एरियाज ऑफ़ द हिमालयाज ट्यूनिंग इन टू रेडियो फॉर न्यूज़ एज वेल एज एंटरटेनमेंट तो मतलब इसने इन्होंने हिमालिया के टॉप पर भी लोगों को देखा है रेडियो यूज़ करते हुए सो क्योंकि रेडियो की पहुँच बहुत है एंड देर इज़ नो लिमिटेशन विद द रेडियो क्योंकि एज पर द डिस्कशन मोबाइल नहीं हो सकता हर किसी के पास वो मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू बट ड्यूरिंग हिज यू नोन हिज जर्नी और वैन ही वॉज अ प्रचारक वैन ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री रियलाइज दैट यू नो पीपल हैव बेटर एक्सेस टू रेडियो एंड उन्होंने एक, एक एपिसोड में भी ऐसा बोला कि जहाँ पे रिमोट एरियाज़ ऑफ हिमालयाज़ थे वहाँ पे भी लोग रेडियो को यूज़ कर रहे थे फॉर न्यूज़ एज़ वेल एज एंटरटेनमेंट सो आई होप द पैसेज़ क्लियर द फ्लो ऑफ आइडियाज़ इज़ क्लियर राइट कैसे मन की बात से स्टार्ट किया कि मन की बात के हंड्रेड एपिसोडस हो गए हैं अब उसके बाद इंडिया में ऐसा प्रेसिडेंट नहीं रहा पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूज़ किया फिर रोनल्ड रोगन ने यूज़ किया फिर सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल दिया फिर प्रेजेंट कंटेम्प्रेरीज पे आए जहाँ पर कहा कि ओबामा और ट्रंप तो टीवी को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जबकि मोदी का रीज़न क्या है रेडियो यूज़ करने का कि रेडियो की पहुंच हर जगह है कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं है राइट और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल डिवाइस हो ठीक है सो दिस वाज द रीजन दैट मोदी जी कंटिन्यूड विद द रेडियो और उन्होंने कहा भी है कि जब वो प्रचारक थे तो जब उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री ही कुड सी पीपल हैविंग एक्सेस टू रेडियो एंड ही इज ऑल्सो मैंशनड दैट पीपल इन द अपर रिमोट एरियाज ऑफ हिमालय आर ट्यूनिंग टू रेडियो फॉर न्यूज एज वेल एज

So the question is what is the significance of the fact that PM Modi chose radio as a medium to reach to the masses, right? So it shows PM Modi preferred traditional media over digital media. It's a part of PM Modi's efforts to promote Make in India. So make in India ka to zikri nahi hua. Toh ito out of scope. Hai, right, iska koi relevance nahi hai in the context of the discussion? So this choice goes out. It shows PM Modi is a strong supporter of radio industry in India. रेडियो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करा पर मोदी जी को लगता है कि रीच ज़्यादा है तो सी चॉइस भी एलिमिनेट हो जाएगी अब इट शोज दैट रेडियो इज मोस्ट इफेक्टिव वे इन इंडिया टू रीच द लास्ट इंडियन तो बिटवीन ए एंड डी प्रेफरेंस की कहीं बात नहीं करिए राइट right? की ही प्रेफर्ड सो प्रेफरेंस की पॉइंट नहीं है पर उनका जो रीजनिंग है वो ये है कि नॉट एवरीबडी हैज़ गॉट द एक्सेस टू Uh, digital devices and there can be internet or connectivity issues and then there is an example also mentioned that even in the remote parts of Himalayas, people are tuning into what tuning into radio for news and entertainment. So which choice works well? D, right? Chale, now let's come to the second uh, question. Try it nicely. If you need, you can revisit. Bhi kar sakte ho, okay? So never uh, you know re hesitate in revisiting. तो फ्रैंकलिन डी रोजोवर्ट की फायर साइड अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन पे क्या असर पड़ा तो so, क्वेश्चन को ध्यान रखना अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन पे क्या असर पड़ा तो so, हम यहाँ पर आ जाते हैं राइट सो दिस इज वेयर द इंफॉर्मेशन इज द चैट्स वर पॉपुलर एंड प्लेड अ रोल इन शेपिंग अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन

ऑलवेज मस्ट ओनली इनको लेकर आपको हमेशा सस्पिशियस रहना है ठीक है नेवर तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट यूजली एक्सट्रीम आंसर्स बहुत पॉपुलर ट्रैप है तो आप थोड़े से सतर्क रहिए तो ए गोज आउट दे वर यूज टू काउंट क्रिटिसिजम्स फ्रॉम कन्जरवेटिव मीडिया नो राइट सो दिस ऑल्सो गोज आउट कॉन्जरवेटिव मीडिया नहीं दे प्लेड अ रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ क्राइसिस एज इट इज सो दिस इज़ Really easy. They provided entertainment. Entertainment way <laughs> The president is not aiming to provide the entertainment, right? So C, we could just read the sentence and we know that what will be the best answer? C. Let's come to the next question now. Let's try this. So, what does the word propaganda means in the context of the passage, right? So propaganda basically the

का कोई रेलिवेंस नहीं है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम सो रेडियो वॉज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोपोगेंडा इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन राइट सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए इन दिस केस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स ट्राई दिस प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आप सही करके आएंगे सवाल को विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन तो ध्यान रखना है क्योंकि जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना नॉट मैंशन तो इसको हम स्किप ही कर जाते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा पहला स्टेटमेंट तो डिस्कस हुआ है और यूजली ये मार्क कर आते हैं जबकि हमें उस स्टेटमेंट को पिक करना है एज द फाइनल आंसर दैट इज नॉट बीन इन राइट सो पे अटेंशन टू दैट रेडियो हैज़ प्लेड अ की रोल इन डिसिमिनेटिंग डिसमिनेटिंग मतलब स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट टू अ वास्ट इंडियन ऑडियंस ये तो लास्ट लाइन पर लिखा था ना कि जो हिमालयाज में लोग हैं रिमोट एरियाज में भी वो रेडियो को यूज़ करते हैं टू गेट इंटरटेन एंड टू गेट द न्यूज सो इज जस्टिफाइड रेडियो हैज़ हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज राइट सो रीच हर जगह है रेडियो हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंडियन पब्लिक ओपिनियन येस And radio has contributed significantly to the growth and development of Indian economy. Economy ki growth may help, hai, ye toh hum sakte, right? So, the correct answer will be D. We can't say because nowhere in the passage it has been discussed that it helped in the growth of the economy. So, this choice goes out. What will be the correct answer? D. It goes out, matlab, that's not something which has been mentioned. So, D is the right answer.

टोन का मतलब क्या होता है वॉट इज ऑथर्स फीलिंग राइट व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन और वॉट इज द ऑथर्स एटीट्यूड राइट तो नो वे सेलिब्रेटरी एटीट्यूड इज आउट और अगर देखेंगे ओवरऑल तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आप आंसर पिक करें वो होलिस्टिकली पूरे पैसेज को कवर करें इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय सम एरिया राइट सो देन द ओनली चॉइस दैट इज लेफ्ट विद अस इज चॉइस सी राइट चलिए सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी राइट right? सो so, अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का ध्यान रखना है मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही रहेगा कि रीड विद द राइट फोकस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अगर आपको फोकस की uh, कमी रहेगी राइट right? आपको राइट right एम से ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता तो आप फंसेंगे राइट right? कभी भी हमें जब भी यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है स्पेसिफिकली हम रैंडम हो के हमारा दिमाग कहीं और है फोकस कहीं और है इस तरीके से आप एक्चुअली सवाल नहीं निकाल पाओगे राइट सो प्लीज़ पे अटेंशन दैट यू रीड विद द राइट एम्स राइट ऑब्जेक्टिव विद द राइट अप्रोच राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन तो हमें क्योंकि हम इलेवेन्थ ट्वेल्थ में होते हैं हमारे पास स्कूल का भी सिलेबस है उसकी भी हमें प्रेपरेशन करनी है राइट right? और हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स के ट्यूशन पे भी जाना है तो हम बहुत ऑक्यूपाइड हैं उसमें हम अगर दो घंटा क्लैट की तैयारी के लिए निकाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है और हमें इंश्योर करना है कि वो दो घंटे हम सिंसियरली जो भी इनपुट दें उसका हमें राइट right आउटपुट मिले इज इट अगर आप ऐसा इनपुट दे रहे हैं इसमें आप तो खूब मेहनत कर रहे हैं बट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है राइट right? और उतना हमारे पास ना टाइम है ना हम रिस्क लेना चाहते हैं तो इसलिए स्ट्रैटेजीज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड प्लीज़ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एक्ट एज़ अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइस मैं इतनी बार स्टूडेंट्स को समझाती हूँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं तो जब आंसर ढूंढ रहे होते हैं तब क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखते जबकि जब भी आप आंसर को पिक कर रहे हैं प्लीज़ देखिए कि इज इट इन अलाइनमेंट विद द क्वेश्चन आज आपको दो मिनट लगे चाहे इन द बिगनिंग ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है यू हैव टू बी श्योर दैट द फाइनल आंसर इज आंसरिंग द क्वेश्चन राइट इट इज जस्ट नॉट सम रैंडम चॉइस विच माइट बी करेक्ट ऑन द बेस ऑफ द पैसेज बट इज नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चन इन कंसर्न राइट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन का एक रोल है जान के सोच समझ के क्वेश्चन को दिया गया है राइट क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसे डेकोरेटिव आइटम नहीं है तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें तीसरा एलिमिनेशन करें तो जैसे अगर ये आपने देखा होगा मैंने आपको एक्सट्रीम का टूल बताया था और एलिमिनेशन की हमने क्लास भी ली है बट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टूल्स हैं जो आपके पास हमेशा ध्यान में रहने चाहिए पहला तो एक्सट्रीम है तो ऑल ऑलवेज नन ओनली मस्ट नेवर इनको लेकर हमेशा सस्पिशियस रहिए आउटसाइड इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो राइट डोंट इंटरटेन आउटसाइड इन्फॉर्मेशन इमोशनल अपील जज्बाती के विदाउट द रैशनल आप आंसर नहीं पिक करेंगे जैसे मैं बोलती भी हूँ कि स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीडिंग है तो द आंसर विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट ठीक है स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है तो ध्यान रखिएगा द रीजनिंग हैजू बी मस्ट बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट राइट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीप दिस इन माइंड एंड ऑफ कोर्स देन द नेक्स्ट पॉइंट इज जहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है उसको लेकर अटेंटिव रहिए राइट जहाँ भी टर्म्स आए मोर लेस बेटर वर्स वर्स सुपीरियर इन्फीरियर इनको लेकर आपको एक बार केयरफुल रहना है कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं कंपेरिजन uh, हुआ है या सिर्फ ट्रैप क्रिएट करने के लिए किया मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ट्रैप क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है राइट देन इट इज़ रिसाइकल्ड लैंग्वेज यानी कि ऑथर ने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया उनको इधर उधर से उठा के एक चॉइस पिक कर दी क्रिएट कर दी और आपको ऐसा एक फीलिंग feeling... मिल जाती है कि हाँ हाँ ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा है सो दैट इज रिसकल्ड दैट मीन दैट्स प्लेइंग विद द वर्ड्स एंड जस्ट क्रिएटिंग अ ट्रैप आंसर चॉइस सो ऑलवेज बी केयरफुल डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो विच यू शुड नोट इड डाउन दैट यूजअली जो करेक्ट आंसर चॉइस होती है ना वो पैराफ्रेज होती है यानी कि सेम आइडिया जो ऑथर uh, लिखना चाह रहा है उसको दूसरे शब्दों में प्रेजेंट करते हैं सो यूजअली द करेक्ट आंसर चॉइस इज पैराफ्रेज इसका आप ध्यान रखिएगा राइट क्योंकि ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं उनको लगता है कि जितना टेक्स्ट से सिमिलर या फमीलियर लैंग्वेज होगी उतना करेक्ट आंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी बट आइडिया तो ऑफकोर्स टेक्स से ही ड्रिवन होता है बस उनको दूसरे शब्दों में प्रेजेंट किया जाता है तो जितना आपको टेक्स्चुअल वर्ड्स लगे उतना कोशिश करिए ध्यान रखने की कि वो ट्रैप होने की वहाँ पे बड़ी पॉसिबिलिटी या गुंजाइश है राइट सो रिसाइकिल लैंग्वेज इज अन अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसके बाद अ करेक्ट आंसर चॉइस कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर विद एग्जैक्टनेस राइट सो अ करेक्ट आंसर चॉइस कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर विद एग्जैक्टनेस राइट आप कभी भी सर्टनिटी के साथ डेफिनेट होके फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते राइट सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जिनका आप ध्यान रखोगे ध्यान रखिए पहले रीड करिए रीडिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए फिर स्ट्रैटेजीज सीखिए स्ट्राटजीज को अप्लाई करना सीखिए उसके बाद देखिए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं यानी एक्यूरेसी उसके बाद आएगी और जब आपको लगे कि सफिशेंट एक्यूरेसी आने लग गई है लगभग एटीन टू नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसके बाद आप टाइम को कंट्रोल कीजिए राइट अगर आप इसी ऑर्डर में आप इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आई Sure, you will do very well. Take good care of yourself. Thank you so much for watching the video. All the best. God bless you.